नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बर्ड फ्लू संक्रमण को देखते हुए जनपद फतेहपुर की जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी खागा प्रहलाद सिंह ने तहसील क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई और बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मुर्गे या बत्तख जैसे पक्षी के कारोबार से जुड़े लोगों में बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन एहतियात बरतते हुए वे खुद को बचा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों को हाथों में दस्ताना इस्तेमाल करना है। पक्षियों के शवों को न छुएं और इसकी जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना दे। साथ ही उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह, क्षेत्राधिकारी श्री अंशुमान मिश्रा, कोतवाली प्रभारी आरके सिंह ने मेस स्टाफ के नगर के पोल्ट्री फार्म व मटन चिकन की दुकानों का निरीक्षण भी किया। मुर्गियों के रखरखाव के विषय में एहतियात बरतने को कहा और उनसे कहा कि मुर्गियां न लाकर क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म से ही खरीद कर बेचे। और आप लोगों को बताते चले कि अभी 2 दिन हुए हैं कि खागा मानुकेपुरवा में एक ऐसा कौआ देखने को मिला, जिसे मानुपुरवा निवासी पप्पू तिवारी ने सभी लोगों को कौआ से दूर रहने के लिए कहा और वन विभाग टीम को फोन द्वारा बुलाए और वन विभाग 5 सदस्यीय टीम आकर कौवे को पकड़ कर लेंगे। इस तरह से अनहोनी को रोका गया। जैसा कि मुर्गी, कबूतर और बतख पालने वाले लोगों के लिए विशेष सूचना है कि इन्हें बाहर घूमने के लिए न छोड़े। आइए सुने क्या कहा खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। बाहर से कोई पक्षी, मुर्गा, मुर्गी, चूजा, बत्तख जो इस प्रजाति के हैं, जिनमें ये रोग फैलने और संक्रमण की आशंका है, वो नहीं आना। अपने जिले में कोई अस्वाभाविक स्थिति नहीं उत्पन्न करना। अपने जिले में जो पोल्ट्री फार्म हमारे यहाँ नहीं फैला हुआ, हमारे यहाँ से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ये संक्रमण से ही फैलेगा। ठीक है, तो सेंस ये है कि अगर कोई अपने जिले का पोल्ट्री फार्म है, हैराया का खागा में भेज रहा है, ठीक है, खागा वाला किशनपुर में भेज रहा है और वो दुकान खोल रहा है, वो अपना काट पीट रहा है, कर रहा है, तो उसको हमको मना नहीं करना। किसी बकरे को और किसी अन्य जाति अन्य पशु को नहीं मना करना। केवल हमारा कंसर्न इनसे है पोल्ट्री। बाहर से कोई पक्षी, मुर्गा, मुर्गी, चूजा, बत्तख जो इस प्रजाति के हैं, जिनमें ये रोग फैलने और संक्रमण की आशंका है, वो नहीं आना। अपने जिले में कोई अस्वाभाविक स्थिति नहीं उत्पन्न करना। अपने जिले में जो पोल्ट्री फार्म हमारे यहाँ नहीं फैला हुआ, हमारे यहाँ से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ये संक्रमण से ही फैलेगा। ठीक है, तो सेंस ये है कि अगर कोई अपने जिले का पोल्ट्री फार्म है, हैराया का खागा में भेज रहा है, ठीक है, खागा वाला किशनपुर में भेज रहा है और वो दुकान खोल रहा है, वो अपना काट पीट रहा है, कर रहा है, तो उसको हमको मना नहीं करना। किसी बकरे को और किसी अन्य जाति अन्य पशु को नहीं मना करना। केवल हमारा कंसर्न इनसे है पोल्ट्री। आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि कतिपय प्रदेशों में बर्ड फ्लू की बीमारी फैली हुई है और वो संक्रमित हो रही है। हमारे प्रदेश में भी उसके संक्रमण की सूचना है। उस क्रम में शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक करके सभी पुलिस ऑफिसर्स, रेवेन्यू और पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि हम लोग भी अपनी तहसील क्षेत्रांतर्गत जो भी पोल्ट्री फार्म हैं अथवा मुर्गे की दुकानें हैं, इन लोगों को जागरूक कर दें कि ये बीमारी फैली हुई है और किसी भी दशा से किसी गैर जनपद के पोल्ट्री बर्ड जो हमारे मुर्गी हैं, बत्तख हैं, इस प्रकार चूजा हैं, इनका मंगाने का कार्यक्रम स्थगित रखें। उसी के क्रम में हमने आज अपने नगर में भ्रमण करके इन लोगों को जागरूक किया है और बताया है कि ये लोग इस पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें, जहाँ भी इनकी दुकानें हो सैनिटाइज करें, साफ सफाई रखें और कोई बाहर से मुर्गा और तक मुर्गी न मंगाए जो इनके पास है। और अगर इनके मुर्गी मुर्गों को कोई बीमारी होती है, प्रत्याशित मृत्यु होती है, तो उसके बारे में तुरंत जो हमारे अपने थाने को बताएं, हमको भी बता दें और अपने
पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ ताकि उस पर रोकथाम के लिए उनका सैंपल लेकर के बरेली भेजा जाए। क्या यहाँ आपके फतेहपुर जिले में क्या ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है? सावधानी के दृष्टिगत किया गया है जी, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव केस ना आवे उसकी जो सावधानियाँ हैं उसके दृष्टिगत ये किया जा रहा है।